जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करता हूं अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं DDA JSA CPT की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है, सर हम DDA JSA का जो CPT है उसको हम तैयार कैसे करें, कहां से पूरी चीजें मिलने वाली हैं। तो टोटल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CPT की DDA JSA स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर हो जाइएगा, क्योंकि वहीं पर PDF सेंड करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सारे PDF मैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हमारे पास है, जो भी DDA वाले स्टूडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन है ना, उनके पास सारी PDF जाने वाली है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं। वैसे एक बार मैंने सिलेबस बताया था, लेकिन सिलेबस की बात करेंगे तो जाके निष्कर्ष निकल सकता है तैयारी कैसे करनी है, तो अंत तक देखिएगा। और अंत में दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा कंप्यूटर फंडामेंटल का। किसका? कंप्यूटर फंडामेंटल का। अगर वो सब क्वेश्चन आपको आएंगे तो जान लीजिएगा कि आपकी तैयारी चल रही है। तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से आगे हम जो है दोस्तों क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 मार्क के। कितने? 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क के। ये तीन चीज आप जान गए ना, 50 क्वेश्चन 100 मार्क। और यहाँ पे दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसको लेकर टेंशन में आप सभी लोग मत रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है और ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको क्वालिफाई करना, ये नहीं कि आपको 100 in 100 मार्क लाने हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल ये पार्ट वन इसका है। कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट वन 10 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क के, 10 क्वेश्चन 20 मार्क। ओके, कीबोर्ड शॉर्टकट की एंड इंटरनेट 10 क्वेश्चन 20, सेम टू सेम एमएस वर्ड का और एमएस एक्सेल का और पावर पॉइंट का, एमएस पावर पॉइंट का, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क। और अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम कब तक इसका हो सकता है, एक्सपेक्ट डेट भी बताऊंगा, उसके अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है, टोटल चीजें देख लीजिए। दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं तो जो एकदम बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ना, तो सबसे पहले बेसिक से जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल के तहत है। जैसे डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रखा हूँ आप सभी के लिए, उस क्वेश्चन को आंसर आप क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया था, सेकंड क्वेश्चन फंडामेंटल से। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ, कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं। तो ये सारे सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों ना, कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिक से अर्थात फंडामेंटल से। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कभी कभी CTRL CTRL+F1 कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ने के लिए देता है ना, तो उसको बोलते हैं दोस्तों शॉर्टकट की। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट। और इंटरनेट से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा MS Word MS Excel PowerPoint। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट वन की। जी हाँ दोस्तों, पार्ट वन को आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको पार्ट वन की PDF प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। किसकी? पार्ट वन अर्थात कंप्यूटर फंडामेंटल का PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ग्रुप में आज शाम तक जो है कंप्यूटर फंडामेंटल का PDF पहुंच जाएगा। तो उस PDF को पूरा आप अच्छे से जो है स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके नेक्स्ट डे में कीबोर्ड शॉर्टकट की एंड इंटरनेट के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। डेली मतलब एक एक का PDF मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद वो जो 5000 वाला कंप्यूटर का जो है दोस्तों, कंप्यूटर का PDF है ना, जो कि मैंने पटवारी के लिए सेंड किया था, वो हेल्पफुल है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके लिए मैं क्लास भी इसका लेकर आऊंगा दोस्तों। PDF भेजने के बाद मैं इसका क्लास भी कल से जो शुरू करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा इसका क्लास शुरू किया जाए या नहीं। और आप सभी को दोस्तों एज ए टेस्ट चलेगा, आप खुद अंदाज लगा लीजिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सबसे पहले ये पार्ट वन कंप्यूटर फंडामेंटल दोस्तों स्ट्रांग कर लेना, चाहे जहां से आप पढ़िए दोस्तों, मतलब होता आपका सिलेक्शन लेना, ठीक है ना, चाहे जहां से पढ़िए आपका अर्थ होता सिलेक्शन लेना। तो कंप्यूटर फंडामेंटल आप पढ़ते हैं, उसके पहला अगर कंप्लीट कर लेते हैं
पहला ये अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब इस पर आइएगा, ये नहीं कि पूरा जो है मिक्स करके पढ़ रहे हैं। अगर पूरा मिक्स करके पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आप इस चीज को स्ट्रांग कर लीजिए, ये 20 मार्क का है ना, ये आप अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप कीबोर्ड साथ काट के इंटरनेट पर आइएगा। इस तरीके से सीरियल वाइज आराम से पूरा जो है दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करिए। अब क्योंकि क्वालिफाइड नेचर तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, आराम से ये निकल सकता है ना, निकल सकता है ना। तो आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप जो भी ग्रुप्स है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सब जगह ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ आज शाम तक मैं शेयर कर दूंगा और आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि इसमें से किसका क्लास सबसे पहले लिया जाए। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर फंडामेंटल पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कराऊँ। ओके, कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद कीबोर्ड एंड शॉर्टकट, इस तरीके से क्लास आप सभी कर लूँ और वैसे आप सभी का भी कुछ ना कुछ मजबूत होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का कुछ भी स्ट्रांग नहीं है ना, वो पहले बेसिक दोस्तों पढ़ लें, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका निकल गया मतलब स्टेज वन क्वालिफाई करने के बाद अगर आप इसमें छटते हैं ना, तो ये आपका जो है दुर्दशा होता है, जिसे बोलते हैं ना भाग्य खराब होना, मेहनत ना करना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने स्टेज वन किसी तरीके से क्वालिफाई किया है तो इस बार दोस्तों जान लगाइए, जान लगा दीजिए या जाने दीजिए। हर एक एंगल से दोस्तों आप सभी को इसको लेकर हार्ड वर्क करना, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका भाग्य निर्धारण करेगा आपको जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अगर आप वाकई में वास्तव में इस जॉब को पाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जान लगाइए। ओके, तो मेरे साथ से जो भी क्लासेज रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। बाकी जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे सर कितने मार्क्स वाले तैयारी करें, तो जिनका मार्क दोस्तों 70+ बन रहा है ना, वो तैयारी डीडीए जैसे की जरूर करें, 70 या 70+ वाले, क्योंकि जीएसए का जो दोस्तों पेपर लेवल था ना, वो मॉडरेट पेपर लेवल था, मॉडरेट टू हाई चला गया था, जीएस तो हाई ही था, समझ रहे हैं ना। तो जिनका भी 70+ है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और सभी साथियों को राधे राधे। जो भी साथी हमारे से नए जुड़ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय।